इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के 20 साल प्रमुख खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, तहसीलदार के ड्राइवर के संरक्षण में हो रहा जमकर अवैध खनन। रात्रि के दौरान दर्जन भर ट्रालियों का एवं डंपर से होता है अवैध खनन, अधिकारियों के संरक्षण में राजस्व की जा रही चोरी। इस वक्त की बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। खनन की परमिशन समाप्त होने से पहले हजारों ट्रालियों का किया जाता है रेत डंप। खनन माफिया नरेंद्र गंगवार ने हजारों ट्रालियों का लगाया रेत का डंप। माफिया नरेंद्र गंगवार एवं चरण सिंह जेसीबी से कर रहे जमकर अवैध खनन। तहसीलदार के ड्राइवर के माध्यम से हो रही माफियाओं की सेटिंग। पीलीभीत के बीसलपुर में जमकर हो रहा अवैध खनन। गहरी नींद में सो रहे बड़े अफसर। रामपुरा घाट से रेत की परमिशन समाप्त होने से पूर्व हजारों ट्रालियों की होती है रेत की डंप। रात्रि के दौरान डंपर और ट्रालियों से होता है मिट्टी का अवैध खनन। प्रत्येक ट्राली पर 500 और डंपर पर 10,000 रुपए ले रहे अधिकारी, सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी। खनन इंस्पेक्टर ने मामले में जानकारी होने पर कार्यवाही किए जाने का दिया आश्वासन। SDM बीसलपुर ने डंप और खनन की जानकारी होने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। आलम यह है कि माफिया खुलेआम जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। हालांकि माफियाओं पर प्रशासनिक संरक्षण भी जारी है। यूपी अपडेट ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट खंगाली तो अंदर खाने से कई प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ काले निकले। खनन माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ तहसीलदार के ड्राइवर के माध्यम से होता है। चर्चा यह भी है कि डंपर और ट्रैक्टर ट्रालियों का खनन करने के अलग अलग मेन्यू तैयार किए गए हैं। मेन्यू के साथ ही माफिया ट्राली का नंबर और डंपर का नंबर भी दर्ज कराना पड़ता है। प्रत्येक ट्राली प्रतिमाह 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। हालांकि अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे इस अवैध खनन के खेल में जनप्रतिनिधियों का संरक्षण भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि रात्रि के दौरान बीसलपुर क्षेत्र में जमकर JCB चलती है, जिससे नरेंद्र गंगवार एवं चरण सिंह के डंपर शहर की सड़कों पर दहाड़े मारते दिखाई देते हैं। मिट्टी और रेत के इस खनन के मामले में प्रशासनिक कार्यवाही हफ्ता वसूली पर ही दम तोड़ दी जाती है। पूरे मामले में शिकायत एक व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी से की गई। शिकायती पत्र भेजकर शिकायती पत्र में लिखा था कि गांव रामपुरा के नज़दीक खनन माफियाओं के द्वारा हजारों ट्रालियों का अवैध रूप से रेत का डंप कर लिया गया है। रात्रि के दौरान मिट्टी का अवैध खनन जमकर किया जा रहा है। पूरे मामले में जब खनन अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मामला गंभीर है, टीम बनाकर अतिशीघ्र छापेमारी की जाएगी, जांच होगी, यदि मामला सही पाया गया तो कार्यवाही भी की जाएगी। लगातार अवैध खनन की ट्रालियां रात भर दहाड़े मारती हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन चैन की नींद सोता नजर आ रहा है। आपको बता दें, उधर SDM बीसलपुर ने बताया कि मिट्टी के खनन के मामले में जानकारी नहीं है, यदि ऐसा है तो रात्रि के दौरान टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। अवैध रूप से हो रहे खनन पर कार्यवाही भी सख्त की जाएगी।